डी पार्ट, फोर, टेन, सिक्सटीन। फोर, टू टू टाइम फोर और टू वन टाइम टू। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास टेन। अब टू की टेबल में आता है टू फाइव टाइम टेन, फाइव वन टाइम फाइव। इस तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास सिक्सटीन, ये टू के टेबल में आता है टू एट टाइम सिक्सटीन, टू फोर टाइम एट, टू टू टाइम फोर और टू वन टाइम टू। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, फोर दैट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टेन दैट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फाइव। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। अब हम इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ फोर टेन एंड सिक्सटीन डैट इज इक्वल टू, अब इसमें देखें ये कॉमन है और यहाँ से ये कॉमन है टू और टू। ठीक है, इसी तरह नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ फोर टेन एंड सिक्सटीन डैट इज इक्वल टू, नॉन कॉमन में ये फाइव, टू और ये टू। अब हमने मालूम करना है एलसीएम। एलसीएम में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टू मल्टीप्लाई टू और यहाँ से फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। एलसीएम That is equal to 2 to the 4 multiply 5 to the 10, 10 to the 20. LCM that is equal to 4 को 20 से multiply करेंगे तो ये equal होगा 80 के। इस तरह इसका D part भी मुकम्मल हुआ। E part 9, 18 and 27। नाइन, थ्री के टेबल में आता है थ्री थ्री द नाइन और थ्री वन द थ्री। ठीक है, सेकंड नंबर है हमारे पास एटीन। अब एटीन टू के टेबल में आता है टू नाइन द एटीन, नाइन थ्री के टेबल में आता है थ्री थ्री द नाइन और थ्री अपने टेबल पे आता है थ्री वन द थ्री। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास 27।
तो 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। Of 9 that is equal to 3 multiply 3, prime factorization of 18 that is equal to 2 multiply 3 multiply 3, इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 डैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, 18 and 27 दैट इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो ये कॉमन हो गया और एक ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो 3 और 3 और एक ये भी कॉमन है। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स of 9, 18 and 27 that is equal to, non common में just हमारे पास ये क्या है, 2 है। तो मालूम करना है हमने LCM, LCM मालूम करने के लिए हम common prime factors को और non common prime factors को multiply करते हैं। तो 3 multiply 3 multiply 3 और यहाँ से हमारे पास है नॉन कॉमन 2। एलसीएम 3 3 द 9 9 3 द 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, एलसीएम डैट इज इक्वल टू 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 54 की। इसी तरह ई पार्ट भी मुकम्मल हुआ। एफ पार्ट 10, 20 and 35। तो सबसे पहले हम 10, अब 10 किसके टेबल में आता है, 2 के, 2 5 द 10 और 5 अपने टेबल पे, 5 1 द 5। अब सेकंड नंबर है हमारे पास 20, अब 20 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 10 times 20। अब 10 भी जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 5 times 10 और 5 अपने टेबल पे आता है, 5 1 the 5। थर्ड नंबर है हमारे पास 35, 35 आता है 5 के टेबल में, 5 7 times 35 और 7 1 the 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 2 multiply 5 प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 दैट इज इक्वल टू 5 × 7। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 20 and 35 दैट इज इक्वल टू, अब कॉमन इसमें ये देखें 2 है और ये 5 है, 2 और 5। इसी तरह नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 20 and 35 दैट इज इक्वल टू, नॉन कॉमन में ये 2 और 7। हमने मालूम करना है एलसीएम। एलसीएम मालूम करने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन हमारे पास क्या है, 2 × 5 और नॉन कॉमन हमारे पास है 2 × 7। एलसीएम दैट इज इक्वल टू 2 × 5 द 10 और 2 × 7 द 14। एलसीएम दैट इज इक्वल टू 10 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 140। इसी तरह इसका एफ पार्ट भी मुकम्मल हुआ।